क्या नाम है आपका? रेनू ठाकुर। हाँ जी, काफ़ी प्यारे बैग्स हैं, बट जो मम्मा को पसंद आया वो ये वाला है। पता होगा तो अभी लगेज आ गए हमारे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो, होप यू ऑल आर फाइन। तो अभी आज का व्लॉग मैंने सुबह ही स्टार्ट कर दिया क्योंकि आज हमने निकलना है। तो कहाँ निकलना है ये भी आपको थोड़ी देर में, वैसे थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया है। तो हाँ, हम दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली ही जाना था हमें, थोड़े दिन से प्लान बन रहा था, तो कुछ काम भी था और ऐसे भी मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हो जाएगी, इसलिए प्लान कर लिया। बाकी जो हमारी कल की टिकट्स कंफर्म हुई थी वो आपको पता ही है, हमने कैंसिल कर दी थी। तो आज की हमारी जो टिकट्स हैं वो 4:55 पे हैं शाम को, यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। तो फिर बस मिलते हैं आपको आगे, तो अभी देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। तो मम्मा कर रहे हैं अभी पूजा, तो देखो यहाँ पे हमने जो मूर्तियाँ वो भी ऐसे ही लगाई हैं, क्योंकि जो पूजा रूम है वो आपने होम टूर वाले व्लॉग में देखा ही था, वो नीचे बन रहा है। तो अभी जब तक तैयार नहीं होता प्रॉपर तो यहीं पे पूजा करते हैं। कर ली पूजा। हाँ, कर ली। दुपट्टा बड़ा सुंदर है, कहाँ से लिया? सूट है ये पूरा? नहीं, ये दुपट्टा ये मासी जी ने लाया था। कौन से थे ना? वो मासी है हमारी, रूड में रहते हैं। अच्छा, सुंदर लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है बड़ा। ये ना उन्होंने तीर्थ पता नहीं कहाँ गए थे करने के लिए। अच्छा, तो ये लाया था, एक बड़ा सुंदर राधा कृष्ण और सिंदूर लाया था, तो ये मैंने पूजा के लिए रख लिया स्पेशल। अच्छा, तो अभी हमने ले लिया अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज ये पनीर का परांठा और अचार, और ये हलवा जो कि निमिश मेरे लिए लेके आया है प्रसाद, तो ये भी हम साथ में ही खा लेंगे। तो अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद मिलते हैं। तो ये मम्मा की भी पैकिंग हो गई है, डन, बस बंद करना है, उनका डिसाइड नहीं हो रहा है कि क्या पहनूं। तो मेरी तो ऑलरेडी डन ही थी, बस कुछ सामान था जो मैंने यहाँ आके निकाला था तो वो सब भी डाल लिया मैंने। मेरा बैग तैयार नहीं हुए अभी, एक बज गया, तो मेरा बैग भी हो गया रेडी बिल्कुल। मैंने ना सब कुछ एक ही बैग में कर दिया ताकि मुझे उधर कोई भी हाथ में बैग्स ना पकड़ने पड़े। तो बस अभी निकल रहे हैं हम लोग, तो 4:55 पे हमारी फ्लाइट है, 2 बज के हैं, तो अभी हमने पहले जम्मू जाना है, तो 4 बजे तक हमें एयरपोर्ट पहुंचना ही पड़ेगा। तो पता नहीं हम पहुंच भी पाएंगे या नहीं। तो चाची भी जा रहे हैं हमारे साथ, चाची को लेना रास्ते से, तो मतलब मैं, मम्मा और चाची जा रहे हैं। निमिश चल ले, अभी भी टाइम है। निमिश चल ले यार। वो हमें पूछेंगे निमिश राजपूत बंदा कहाँ गया। बोला उसकी रिफंड हो रही टिकट, मैंने वो बोल दिया था। अच्छा ठीक है, तेरी मर्जी है फिर। तो हम अभी रास्ते में पहुंचे हैं, टोल क्रॉस किया जस्ट, क्योंकि अभी जैसे बताया ही था चाची को यहाँ से पिक करना है, तो वो बाहर आ गए होंगे, कॉल हमने उनको कर दिया है। तो भाई जा रहे हैं हमें छोड़ने और मम्मा बैठे हैं पीछे। तो अभी हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और सामान वगैरह निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी ना 3:30 हुए हैं, तो हमारी जो फ्लाइट है वो 4:55 की है, तो मतलब टाइम से पहुँच गए हैं फाइनली। ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा था बट फिर भी पहुँच ही गए। तो अभी थोड़ा सामान वगैरह निकाल रहे हैं, फिर टिकट्स भी हमारे पास फ़ोन में ही हैं, हमने प्रिंट आउट भी नहीं निकाला, तो अभी उसकी भी टेंशन है कि रोक ना दें, तो देखते हैं आगे क्या होता है, आपको अपडेट करते ही रहेंगे। तो इनका सामान ही अभी सेट हो रहा है सामान। तो आ गए अभी, हमारे लगेज भी आ गए हैं, तो चेकिंग हो गई है, तो अब जा रहे हैं अंदर। बाहर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो यहाँ पे भी पता नहीं है या नहीं, बट जब तक कोई नहीं देख रहा तब तक तो बना ही सकते हैं। तो देखो मैंने कहा भी था ट्रॉली ले लेते हैं, बट इन्होंने माना नहीं, तो अभी कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं जो यहाँ पे पूरी करेंगे, फिर उसके बाद आगे व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमें हमारे बोर्डिंग पास भी मिल गए हैं, सारी चेकिंग भी हो गई है, मतलब सारी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी हो गई हैं। तो अब हमारा जो है गेट नंबर 5 है, तो ये गेट नंबर 1, 2 इस साइड रहा, तो अभी अपना गेट नंबर 5 ऊपर है, गेट नंबर 5 वो लिखा हुआ है, तब हम ऊपर जाएंगे, वहीं पे हमारी फ़्लाइट है।
तो वहाँ वेट करेंगे। तो सारी फॉर्मेलिटीज डन हो गई हैं, तो अभी अपने गेट नंबर पे भी पहुँच गए हैं। हमारा गेट नंबर अभी ओपन तो हुआ नहीं, क्योंकि अभी गेट 4 ओपन हुआ है, 5 होगा। और मेरा हाथ देखना एक बार, मैंने इतनी कोशिश की ना इस एक नेल को निकालने की, बट ये निकल ही नहीं रहा और इतना गंदा लग रहा है ना, एक पूरे हाथ में एक ही नेल है। तो कोई नहीं, इसको कोशिश करूँगी, क्या पता कल तक निकल जाए। मेरे को पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा इसको निकालने में ना, इसीलिए मैं ज़्यादा ट्राई नहीं करी। बाकी अभी मम्मा बैठे हैं और चाची भी बैठे हैं, तो हम तीनों यहाँ बैठे हैं ताकि गेट खुले। 4:55 पे है हमारी फ्लाइट, अभी टाइम हो रहा है 4 बजे, अभी एक घंटा है पूरा। देखते हैं, बोर्डिंग तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, फिर वहाँ पे पहुँच के आपसे मिलेंगे। अब तो आपको पता चल ही गया है कि हम दिल्ली जा रहे हैं, आप क्या छुपाना, तो फिर वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। तो अभी भी हम वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि गेट नंबर 5 मतलब होने वाले हैं, बोर्डिंग अनाउंस तो हो गया है, फिर देखते हैं उसके बाद। तो भीड़ भी अब कम हो गई है, क्योंकि बाकी फ़्लाइट्स निकल चुकी हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो अभी भीड़ भी कम हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो बस अभी वहाँ से हमारा गेट ओपन होगा, तो हमारी फ़्लाइट है, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे, मतलब दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। आज हमारे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, पहले हम गेट नंबर 4 पे ही बैठे थे, फिर पता चला 5 आ गया तो 5 पे आए, और अभी पता चला है कि गेट नंबर 5 भी हमारा चेंज हो गया, तो अब बोर्डिंग गेट नंबर 4 से ही होगी। तो अब वापस हम जा रहे हैं कहाँ, गेट नंबर 4 तो वापस जा रहे हैं गेट नंबर 4 पे। वो देखो मेरी मम्मा को यहाँ पे भी चैन नहीं आ रहा है, पर्स देखने चले गए हैं। तो देखो यहाँ कौन शॉपिंग करता है। तो अभी देखते हैं, पसंद तो कर रहे हैं यार, सुंदर है वो जो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है वो पर्स। बन रही है चॉइस, बन रही है। गेट नंबर 5 पे ही ठीक थे हम। ले लिया क्या, ले लिया क्या, नहीं वो ले ही लिया इन्होंने, हर बार का यही है। अच्छा लिया, काफ़ी प्यारे बैग्स हैं, बट जो मम्मा को पसंद आया वो ये वाला है। कमेंट्स में बताना कैसा है। शॉपिंग यहीं से स्टार्ट हो गई है, मैं बोल रही थी अंदर की शॉपिंग आपने यहीं पे कर ली, तो वहाँ पे मतलब शुरुआत कर दी इन्होंने, जम्मू से ही शुरुआत कर दी। नहीं अच्छा भी था, सुंदर भी था, तो प्यारा लग रहा। फाइनली हमारी बोर्डिंग भी हो गई, अब हम एंटर हो रहे हैं। तो देखो, तो फाइनली अब हम बैठ गए हैं, सीट का थोड़ा सा इशू हो गया था बट हमने कर लिया मैनेज, तो पहुँच जाएंगे हम, पहुँच जाएंगे अब। बस अभी बैठ गए हैं बट अभी टेक ऑफ नहीं किया है, फोन तो हमने अपने एयरप्लेन मोड पे कर दी है। मेरी और मम्मा की सीट एक ही हो गई, बट हमारी चाची की सीट अलग है, दूर भी नहीं है, ये इनकी सीट पास ही है इनकी सीट, तो हमारी। तो वो देखो सनसेट हो रहा है और कितना प्यारा लग रहा है, बाकी इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं आगे, तो इंस्ट्रक्शंस हम नहीं सुनते हैं, बड़ी बार सुन सुन के अब याद हो गई है, इसीलिए अब टेक ऑफ होने वाला है। The aircraft is now ready for takeoff. Please ensure that. तो मेरा सारा व्यू कवर हो गया है, क्योंकि मैं इस साइड से भी नहीं आ रहा, इस साइड से थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। मामा मुझे पूछ रहे हैं हम कहाँ पहुँच गए होंगे, मैंने बोला मैं कुछ नहीं बता सकती, ऐसे तो मैं मालूम हूँ।
होटल लेंगे ना आप। तो काफ़ी टाइम हो गया हमें लैंड हुए, बट हम अभी प्लेन में ही बैठे हैं। अब होने लगे, अब उतरने लगे जैसे ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। लास्ट 15 मिनट से ऐसे ही बैठे हुए थे। हम लास्ट में ही उतरेंगे जब थोड़ा भीड़ कम हो जाएगी। तो अब हम लैंड कर चुके, तो ये रहा हमारा प्लेन जिसमें हम आए हैं। तो ये रही बस जिसमें हमने जाना था, पर आप बस में भीड़ देख सकते हो, तो इसलिए हम इस भीड़ में नहीं गए। तो अब दूसरी बस आएगी तो हम उसमें जाएंगे। तो ये मम्मा और ये चाची, तो बस ऐसा ही है कुछ। अब होटल ही जाएंगे, तो देखते हैं अभी जैसे भी बनता है। तो देखो पता होगा, तो अब ये लगेज आ गए हमारे, मतलब ये आप पता नहीं नाम पढ़ लो ना, सेम सेम ही है। तो यहीं से आएगा हमारा लगेज, तो अभी हम ढूंढ रहे हैं, मतलब आएगा तो इतनी पीछे बैग ढूंढी जा रहे थे वहाँ पे, कब से खड़े हुए थे कितने टाइम से, और वो हमारे बैग लावारिसों की तरह वहाँ पे अकेले ही बेचारे घूम ही जा रहे हैं। वो तो सडनली नज़र पड़ गई तो पता चला, वो देखो दिख भी मेरा ही रहा है बैग, बेचारा लावारिस ही घूम रहा है। देखो तो आ गया मेरा बैग, मेरे को पता किसने इसका दिखा। हाँ? तेरा और चिन उसका बदना का। हाँ? आपका कहाँ है? आ रहा होगा पीछे। हमारे बैग लावारिसों की तरह उधर घूम रहे थे। यार सब कुछ तो हो गया, क्यों नहीं हो रहा? वही तो मैं भी कर रही, सेटिंग नहीं हो रही है। तो ये हमने रूम ले लिया अभी, तो ऐसा है कुछ हमारे रूम। अभी हमने वन डे के, मतलब वन नाइट के लिए ही लिया, कल हम देखेंगे अगर हमने यहाँ स्टे करना होगा या कोई कहीं और। तो ये देखो ये सो भी गए आते क्योंकि थक गए हैं काफ़ी ज़्यादा, और दिल्ली का ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक। हम कितनी देर का सफ़र हमने कितने घंटे में पूरा किया, मेरे को लगता है कितना दूर था एयरपोर्ट से होटल, ज़्यादा दूर नहीं था। ट्रैफिक की वजह से हमें कोई ना 1-1.5 घंटा लगा है पूरा यहाँ पहुँचने में, हद ही ट्रैफिक था। तो पूछा था हमने, वो कह रहे थे रोज़ ऐसा ट्रैफिक नहीं होता है, बस मंडे ट्यूसडे को होता है बिकॉज ऑफिस, इस टाइम ऑफिस से सब आ रहे होते हैं तो इस वजह से। तो वो तो रही बात की बात है, तो अभी करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।